आज के व्लॉग में हम फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ये मूंग में लगे हुए हैं, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं, व्हाइट में कितने प्यारे लग रहे हैं, व्हाइट व्हाइट। देखना मैं गाजर निकाल चुकी हूँ। मैं और हुरैन गाजरे लेने गए हुए थे। हम माशाल्लाह हमने अपनी खेत से निकाली है और ये हमारी प्लेट फुल हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा सब्ज़ प्याज लिया और धनिया लेकर घर वापस जाने लगे। आज के व्लॉग में कोई म्यूजिक नहीं होगा, बस हमारी बातें होंगी। हमारी प्लेट फुल हो चुकी है और साथ ही पानी चल रहा है और मैंने सोचा कि यहाँ से ही गाजर वॉश करके घर ले जाते हैं और फिर हम यहाँ पे गाजर धो रहे हैं वॉश कर। अब गाजर साफ हो चुकी है। यहाँ पे मुझे दो प्यारे प्यारे अमरूद नजर आए और मैंने मोइस को और नूरैन को तोड़ के दे दिए। अमरूद अपना तोड़ के दिया। माल्टा गाजर धनिया लहसुन लेके जाने लगे घर को। आज हम पकाने वाले हैं फ्राइड राइस और मेरी मदद करेगी नूरैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले घी चाहिए 1 कप, इसके बीच कुटा हुआ लहसुन डाला हुआ है, इसको ब्राउन करना थोड़ा सा, एक छोटा बाउल हमने लेने मटर का छोटा बाउल, इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है, फ्राई करना है। अब इसके बीच एक छोटा बाउल गाजर का डालना है, एक बाउल गाजर, एक बाउल मटर और एक बाउल भर के हमने इसमें डाले बंद गोभी का। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है।
इसके बीच नमक और काली मिर्च डालेंगे। और अब इसके बीच ग्रीन वाली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बीच सोया सॉस डालेंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए हम अंडा फ्राई टू एग फ्राई करेंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इतने भी छोटे नहीं। अब इसके बीच उबले हुए चावल डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट का दम। चावलों को हम दम पे दे दिए। कि आप देख सकते हैं चावल कितने प्यारे बने हुए हैं। और हमने अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ कि मैंने चावल खाए हैं, वो भी खा ले। अब सब मिलके खा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको लाइक या कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब हम खेल रहे हैं।